आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार से गीता का संदेश देकर और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी एक तरफ युद्ध का मैदान है, एक तरफ उपदेश और संदेश चल रहे हैं, जीवन का सार ये बताया जा रहा है, कैसा भव्य दृश्य रहा होगा, जैसा बताया कि 5158 वर्ष पहले। हर देश, खास करके जिनकी जड़ें उनकी इतिहास में, संस्कृति में बहुत पुरानी ऐसी मानी जाती हैं, ऐसा अपना देश भारतवर्ष है। इसके इतिहास के बारे में अलग अलग से परिभाषाएं दी गई हैं, अरब लाखों वर्ष की परंपरा में, यानी बताने की कथाएं भी यहाँ चलती हैं, हजारों वर्ष तो सब बताते ही हैं। आज प्रातःकाल संयोग से मैं किसी एक कक्षा में जापान का इतिहास सुन रहा था। आप लोगों को जानकारी होगी कि मैंने एक जापानी भाषा सीखने के लिए एक पाठ्यक्रम उसमें प्रवेश लिया है। संयोग से हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति वो भी उसमें मेरे सहपाठी हैं। तो जो वक्ता थे, जापान का इतिहास बता रहे थे, साथ साथ भाषा के साथ साथ बता रहे थे। तो जो जानकारी का इतिहास वहाँ का सिर्फ 16,000 वर्ष का है, हालांकि जापान को भी बहुत प्राचीन देश माना जाता है। 16,000 वर्षों में कब कब कैसे कैसे विकास हुआ, उसी प्रकार से हम अपने देश के बारे में विचार करते तो अपने देश का भी विकास इसी प्रकार से बढ़ता चला गया। बहुत पुराना नहीं तो पिछले 2000 साल का इतिहास तो हमको मालूम है कि कैसे हम गुलाम हो गए, कैसे आक्रमण हमने झेले, दूसरे देशों के जो आक्रमणकारी आए, कैसे अब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने हमको गुलाम बना लिया। क्रांतिकारियों ने एक बहुत ही अजूबा किया, प्रेरणा लेकर उनके मन में एक उत्साह आया, शहादत दी और आज़ादी मिली। अलग बात है कि हमको आज़ादी भी एक खंडित भारत की मिली है, देश का विभाजन हो गया। लेकिन इस सारे इतिहास में भी श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे शहीद हैं, उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है, क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो किसी किसान के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो अध्यापक के लिए हो, चाहे वो समाज सेवक के लिए हो। जब ये सारी श्रृंखला लिखी जा रही थी, स्वामी ज्ञानानंद जी स्वयं लिख रहे थे, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया, राजनीतिज्ञों के लिए भी गीता, तो मैं आभारी हूँ स्वामी जी का कि एक पुस्तक इन्होंने राजनीतिज्ञों के ऊपर भी लिख दी कि राजनीति में भी गीता, आखिर तो जीवन का सार है, तो राजनीति भी उस जीवन से बाहर तो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी लिखी गई। बहुत ऐसे संदेश गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीने के लिए, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी गीता की जयंती, एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं, वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज़्यादा कलाकार, जो स्वदेश के भी होंगे, विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं, बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम, उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर
एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। तो एक प्रकार से धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय ये बनता चला जा रहा है। और न केवल यहाँ पर गीता महोत्सव बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशियस में और गीता उत्सव ये मनाया गया और बाद में इंग्लैंड में भी लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था लेकिन संयोग से उसी समय कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव इतना मात्र नहीं है बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक महोत्सव मनाया गया होगा यानी गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया लेकिन उसको आज भारतवर्ष में आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा याद रखा जाएगा। और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक क्योंकि 14 तारीख गीता जयंती का दिन है तो उस दिन तक ये जो 6 दिन का कार्यक्रम उसमें अलग अलग प्रकार के सब कार्यक्रम होंगे। ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं। अभी 25 से ज़्यादा देशों के लोग जिसमें अमेरिका है कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है यूके है ऐसे 25 से ज़्यादा देशों के लोग लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपडेट किया है। 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है और इस प्रतियोगिता में श्लोक्स बोलने का लिखने का वो जो सारी प्रतियोगिताएं हैं उसके माध्यम से इन सब लोगों को एक अवसर जो है वो मिलेगा। तो ऐसे यही जो भ्रमश हो रहा है इसके चारों तरफ स्टॉल्स लगाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं तो वहाँ पर शिल्प पर जो सरस मेला होगा उसमें लगभग कितनी दुकानें हैं लगभग 1,400 के आसपास तो 400 के आसपास ये सब दुकानें हैं शायद ज़्यादा होंगी एक छोड़ के एक दे रहे हैं इस बार हम 800 के लगभग हैं एक छोड़ के एक दे रहे हैं ताकि कोविड के उस सारे इस लिमिटेशन का उसमें भी ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रकार ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है हवन और यज्ञ के साथ कल ये शुरू होगा। संस्थाएं जो है ये सब इसमें भाग ले रही हैं जो भी कुरुक्षेत्र की संस्थाएं हैं कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है इसमें भी एक 3 दिन की गीता संगोष्ठी ये भी उसमें होगी। ऐसे ही जो आसपास के स्थान हैं यानी कुरुक्षेत्र के और आसपास के 48 कोस का एक एरिया है इसकी परिक्रमा में अभी तक 134 स्थान ये पहले आते थे और अब से 30 नए स्थान इस बार पहचान किया गया कि उन स्थानों को कहीं उस समय छूटे या नहीं उसका महत्व पता लगा तो ऐसे वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ का जो महत्व बताया है तो ऐसे 30 नए स्थान भी हैं वो इस बार जोड़े जा रहे हैं तो ये संख्या अब 164 हो जाएगी।
और सब 164 स्थानों पर धीरे धीरे इन दिनों में कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 1 दिन वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो, ताकि गीतामयी एक सारा वातावरण इन सब जो महाभारत से प्रभावित क्षेत्र रहा है 48 कोष का, उसके अंदर ये सब बने। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर स्वदेशी और विदेशी सब कलाकार, खास करके पुरुषोत्तम बाग में जो ब्रह्म सरोवर में आज़ादी के अमृत महोत्सव आधारित जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बहुत हर दिन सायंकाल के समय ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हर दिन के कलाकार और उसका जो थीम है वो अलग अलग होगा, ताकि लोग उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। संत सम्मेलन 12 दिसंबर 2021 को वो संत सम्मेलन होगा, जहाँ सारे देश के विदेश के संत समागम, यानी संतों के विचार, आखिर हर किसी व्यक्ति का, सिटीजन का, अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार से संतों ने जो इसके विवेचन किए हैं गीता के, उनके एक सम्मेलन के माध्यम से वो व्याख्यान भी होंगे, और उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गीता के जो सेमिनार, हवन, यज्ञ, पाठ का आयोजन जैसे मैंने बताया ही है, वो सब होंगे लगातार 12 से लेकर 14 दिसंबर तक। महाविद्यालयों में गीता संसद का आयोजन 13 दिसंबर को, जितने महाविद्यालय हैं उन सब में संसद, गीता संसद का आयोजन करने के लिए कहा गया है, ताकि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो गीता संसद के रूप में उस पर भी अपने विचार मैसे नाते से वो करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिजनों का ये भी सम्मान किया जाएगा। 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस बार ऐसा विचार किया कि ऐसे परिवार, 75 परिवार, हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, यानी उनकी अपनी संख्या तो कम होती जा रही है, तो उनके जो परिवार हैं उनको सम्मान करने के लिए हम बुलाएंगे। वैश्विक गीता पाठ, जो हमने एक बार यहाँ 18,000 विद्यार्थियों को बुला करके और सांघिक गीता पाठ कराया था, और उसी दिन विदेशों में भी सांघिक पाठ उसी समय सब किए गए थे, लेकिन कोविड के कारण से इस संख्या को प्रत्यक्ष तो इस बार कम किया है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये गीता पाठ इस बार भी कराया जाएगा। 1100 विद्यार्थियों द्वारा ये गीता पाठ इस बार यहाँ किया जाएगा, और 55,000 विद्यार्थी और देश विदेश से लाखों गीत प्रेमी जो श्रद्धालु ऑनलाइन पर जुड़ेंगे, तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में ये सब लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। ऐसे ही जैसा हमने देखा है कि जो प्रदर्शनियों का भी आयोजन होगा, 10 प्रमुख प्रदर्शनियां ये लगाई जाएंगी, जिसमें विश्वगुरु भारत, 48 को का जो कुरुक्षेत्र, संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, आज़ादी अमृत महोत्सव, उनकी सबकी अलग अलग जगह पर प्रदर्शनियां भी होंगी, ताकि लोग बाहर से जो आएंगे, हर बार लगभग जब सामान्य स्थितियों परिस्थिति में गीता महोत्सव था तो 25 लाख तक भी लोगों की उपस्थिति रही थी, इन दो एक साल को छोड़ दें अगर हम कोविड को, तो उससे पहले 25 लाख तक भी पहुंचे हैं।